I would now like to invite the following dignitaries to kindly present floral tributes. Special advisor to the Prime Minister, Jen Nakatani. Mayor of Hiroshima City, Mr. Kazumi Matsui. Speaker of the Hiroshima City Assembly, Mr. Tatsunori Motani. ये नाम सुनते ही आज भी दुनिया थरथरा उठती है, कांप जाती है। G7 समिट की मेरी इस विजिट में मुझे सबसे पहले पूज्य महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण का सौभाग्य मिलना, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सुयोग है। आज विश्व क्लाइमेट और आतंकवाद की लड़ाई से जूझ रहा है। पूज्य बापू के आदर्श क्लाइमेट के साथ जो लड़ाई है उसे जीतने का उत्तम से उत्तम मार्ग है। उनकी जीवन शैली, प्रकृति के प्रति सम्मान, समन्वय और समर्पण का उत्तम उदाहरण रही है। उसी प्रकार से बुद्ध और गांधी की धरती, जिसने विश्व को शांति का संदेश दिया, हिरोशिमा की धरती पर, और जापान जो कि भगवान बुद्ध के विचारों के थे पल्लवित पोषित है, वहां पूज्य बापू की प्रतिमा अहिंसा के, करुणा के उन विचारों को आगे ले जाने में बहुत बड़ी प्रेरणा बनेंगे। मेरे लिए खुशी की बात है कि जापान के प्रधानमंत्री पिछले दिनों जब भारत आए थे तो मैंने उन्हें बौद्धगया से लाया हुआ एक पवित्र वृक्ष का पौधा दिया था, और आज उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने उस बोधि वृक्ष का पौधा था वो हिरोशिमा के गार्डन में लगाया है, ताकि हिरोशिमा आते ही, याद आते ही शांति के महत्व दुनिया समझ सकती है। मैं पूज्य बापू को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। मैं हिरोशिमा के मेयर का, यहां की काउंसिल का, जापान गवर्नमेंट का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पूज्य बापू की प्रतिमा को यहां पर स्थान दिया और मुझे आज उसका लोकार्पण करने का अवसर दिया है। हम सब पूज्य बापू के आदर्शों को जानने का, जीने का और जगत के कल्याण के रास्ते पर चलने का प्रयास करें, यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ YouTube ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ।